हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, उसी के साथ साथ सॉफ्ट टेस्टी पराठा रेसिपी। मूंग की दाल और आलू के साथ इसे हम बनाएंगे, उसी के साथ ज़बरदस्त हेल्दी रायते रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मूंग दाल को हमने भिगो के रखा था, तो आधा घंटे के लिए इसे भिगो के रखें। उसके बाद अच्छे से धो के एक मिक्सिंग बाउल में हमने डाल दी है। इसी के साथ आधा कप हमने पानी ऐड की है और फिर इसकी हमने एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना के रेडी की है। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, इसी के साथ काला जीरा हाफ टी स्पून, 1 टी स्पून शुगर, 2 टीस्पून घी। यहाँ पे अगर आप चाहे तो शुगर को स्किप कर सकते हैं, बिना शुगर के भी बना सकते हैं, लेकिन हल्का मीठा मीठा लगेंगे ना तो पराठा बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐड करें, वरना इसे स्किप करें। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। पराठा के कलर के लिए यहाँ पे मैंने हल्का सा हल्दी पाउडर यूज़ की है। फिर यहाँ पे गेहूं की आटा डाल के इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे आप मैदे से भी इस पराठा को बना सकते हैं, गेहूं के आटा से ये ज़्यादा हेल्दी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर हमने 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर पानी अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसी के हिसाब से आटा भी आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो अच्छे से हमने इसे गूंद के फिर इसे हम साइड में रखेंगे। अब आलू की अब हम एक स्टफिंग बना लेंगे। तो पैन में डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, यहाँ पे हम डाल देंगे गार्लिक, इसी के साथ ग्रीन चिली, ड्राई चिली, अदरक डाल देंगे और हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऐसे बनाने से आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और ये पराठा भी बिल्कुल अनोखा बनेगा। तो यहाँ पर इसे जैसे हल्का सा भून ली है, इसे हम निकालेंगे और इसकी एक दरदरा पेस्ट हम बना लेंगे। तो बस इसे हमने निकाली है। अब सेम पैन में डालेंगे धनिया, जीरा, कुछ सेकंड के लिए इसे बस हल्का सा चटकने देंगे। जैसे ये हल्का सा फ्राई हो जाएगी, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के ऑनियन को बहुत ही बारीक चॉप की है, वो भी इसके साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ऑनियन जैसे ही कैरमलाइज हो जाएगी ना, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, वो भी कलर के लिए, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से भूनने के बाद फिर यहाँ पे आलू को हमने पहले से मैश करके रखा है, इसमें हम फ्राई किया हुआ चीज़ डाल देंगे। इसी के साथ साथ जो हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की पेस्ट की है ना, वो भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ डाल देंगे मुट्ठी भर धनिया पत्ता। इसमें इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करके हम इसे बनाएंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ में कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टीस्पून, जैसे जैसे मैंने क्रश करके यूज़ की है। तो इस तरीके से आलू की स्टफिंग बना के एक बार इस पराठा को ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी ये स्टफिंग हमारा रेडी है और ये हमारी डो भी परफेक्ट रेडी है। तो इस तरीके से हम इसे फील करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टफिंग इसके अंदर हम डाल देंगे ताकि पराठा के हर एक साइड में स्टफिंग जाए। और इस तरीके से इसके मुंह को बंद करना है ताकि आपकी जब इसे बेलेंगे तो ये जो स्टफिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और ये जो पराठा है ना बिल्कुल फुली फुली से बनेंगे। तो अच्छे से हमने बना ली है, अब हम इसे बेलना है। यहाँ पे स्टफिंग हमने भरपूर यूज़ की है ना, तो उसी के हिसाब से हल्के हाथों से इसे इस तरीके से बेल लेना है। तो इसी तरीके से इसके एक मोटी लेयर के पराठा हमने बना ली है। तो तवा को हमने बहुत अच्छे से गर्म कर ली है और उसके बाद एक साइड हल्का सा सेकते हम इसे पलटेंगे और ये आप देख सकते कितना बढ़िया फूली फूली पराठा बन के रेडी है। तो आप अगर चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं। मैं यहाँ पे घी से इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं या बिना घी या ऑयल डाल के भी इस पराठा को फ्राई किया जाता है, जो बिल्कुल कच्चा नहीं रहते हैं और बहुत ही बढ़िया फूलते भी है। तो ये आप देखिए, इसी तरीके से जितना भी पराठा है वो आपको फ्राई कर लेना है।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। गर्मा गर्म इस पराठा के साथ हम सर्व करेंगे रायता, और आलू के कोई भी पराठा हो और उसी के साथ एक ज़बरदस्त रायता होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरीके से सारी पराठा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दही ली है, उसी के साथ टमेटो, उसी के साथ मैंने क्यूकम्बर, ऑनियन और ग्रीन चिली, साथ में मैंने यहाँ पे जब उबले हुए आलू है वो भी हमने थोड़ा सा इस तरीके से काट के रखा था, इसी के साथ 1 टीस्पून धनिया पत्ता ऐड करेंगे, साथ में 1/2 टीस्पून सॉल्ट, इसी के साथ 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून यहाँ पे ऐड करेंगे क्यूमिन यानी भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस रायते रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये हमारी आज की मूंग दाल आलू की पराठा रेडी है फ्रेंड्स, आप इसे ब्रेकफास्ट में या डिनर में बना के खा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी इसे डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और उसी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरीके से इजी टेस्टी हेल्दी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।